चलिए सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारा मैडम अग्निश सर और सब मैडम को मेरा जोहार। ठीक है, देखिए आप लोगों सर तो बताएं वो सारा चीज़ है ना। तो देखिए महिला समिति आप लोगों को सब गांव गांव में बनाए हैं, तो महिला समिति का मतलब क्या है कि एक दूसरे का सहायता करना, एक दूसरे को जागरूक करना, एक दूसरे के अलावा आपका गाँव का पंचायत का जो है उसको आपको जागरूक करना और उन्हें रोजगार, जो बेरोजगार है भटका हुआ आदमी उन्हें सही रास्ता दिखाना, महिला समिति का ही मतलब है ना। जो असहाय लोग हैं उनको सहायता करना, यही महिला समिति का काम है। तो सिर्फ हमारा यहाँ महिला समिति का ट्रेनिंग नहीं होता, इसमें एक फायदा क्या है कि आप उनका गांव में या पंचायत में जो भी गरीब गरीब बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो, उसको कहीं भी रोजगार के लिए, जैसे नहीं उसको रोजगार मिलता तो जागरूक नहीं है, जानता नहीं है, तो बहुत सारा मीटिंग में आप लोग जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि इस जगह में इस तरह का फायदा होगा या मेरा घर उस तरह का लड़का नहीं कोई दूसरा का है, तो उसके लिए भी यहाँ देखिए बहुत सारा ट्रेनिंग दिया हुआ, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का हुआ, कंप्यूटर का हुआ, लड़कियों के सिलाई का हुआ है ना, ब्यूटी पार्लर का हुआ, आपका बम्बू क्राफ्ट का हुआ, तो बहुत सारा इस तरह का छोटा छोटा ट्रेनिंग दिया। मान लीजिए आपका गांव में कोई इस तरह का गरीब लड़का है जो मैट्रिक पढ़ाया हुआ है, उसको जानकारी नहीं है और घूम फिर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है ना, तो वो क्या होता है धीरे धीरे वो दूसरा लाइन में चला जाता है, तो उसको क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ ट्रेनिंग में भेजिएगा तो वो बहुत सारा लाइन वहाँ पर सिर्फ हमको ट्रेनिंग ही नहीं देते, वहाँ पर क्या करते हैं कि उसको चलने का रास्ता, जो किस तरह से चलेगा, किस तरह से व्यवहार करेगा, किस तरह से आदमी को बिजनेस चलाएगा, तो सारा चीज़ ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो महिला समिति का मकसद सिर्फ खाली समिति बनाना, पैसा जमा करना, पैसा बांटना यही काम नहीं है, समाज को भी सुधारना है। ठीक है, तो महिला समिति का बहुत सारा काम है जो आप लोगों का द्वारा गाँव एक सुधर सकता है ना। तो यही बोलेंगे कि आप लोग जितना भी महिला समिति है कोई भी इस डिस्ट्रिक्ट का कहीं से भी आप लोग भेजिए, और यहाँ पर देखिए हम लोगों का नंबर दिया हुआ, ये लास्ट में मेरा नंबर है ना, कुछ भी दिक्कत होगा किसी भी समय फोन करिएगा, फोन हम आप लोगों को रिसीव करेंगे और सारा जानकारी देंगे। ठीक है, और आप लोगों का अभी एक ट्रेनिंग होने वाला, जो मैडम लोग बता रही थी कि आप लोगों का किसी का भी ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग हम लोगों का माहौल एक ऐसा है कि वहाँ पर जाने के बाद एक अलग माहौल मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि मैडम भी हम लोग का लक्ष्मी मैडम जो है करके आई है ट्रेनिंग का, जो पशु का है वो करके आई है, आप कितना सुंदर कर रही है। तो इस तरह के कोई भी चीज़ को करने के लिए जागरूक होना या ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग पहला महिला समिति क्या था, पहले महिला समिति जो है बहुत सारा पैसा का छूट था ना, पहले 1 लाख लेने से 2 लाख लेने से 75,000 छूट, अब तो नहीं है उस तरह का सिस्टम। तो पहले क्या होता है, पहले अगर पूछता था मेरे क्या ट्रेनिंग आप लोग क्या करिएगा पैसा लेके, महिला मतलब मुढ़ी खरीदेंगे सर, चावल खरीदेंगे और बिजनेस करेंगे, जितना कुछ आप पूरा भारत हो सब कुछ वही सुनिएगा मिलेगा। ठीक है, तो वो अभी सिस्टम नहीं है। मान लीजिए आप लोग महिला समिति पैसा लेते हैं 1 लाख रुपया लेते हैं, 50,000 लेते हैं, तो उसको आपको सूद समेत लौटाना है, तो सूद अगर लौटाना है तो आप सूद कहाँ से पाइएगा, आपको तो कुछ इनकम होना चाहिए ना, कि घर से दीजिएगा, घर से दीजिएगा तो कहाँ से दीजिएगा, तो कुछ बिजनेस करना होगा, तो बिजनेस करिएगा तो उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए ना। अब हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अब पढ़े हैं बोलकर नौकरी कर रहे हैं, हम कुछ जानते हैं बोलकर नौकरी कर रहे हैं, तो हमको रखेगा नहीं रखेगा, किसी को भी नहीं रखेगा। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कभी मीटिंग में बुला दें तो उसमें आना होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर क्या करेंगे, उसमें ध्यान से सुनना होगा। कोई भी काम एक छोटा भी चीज अगर हम बोलते हैं, कोई अपना सर में बोलते हैं तो बहुत काम का चीज़ बोलते हैं, समझ गए ना, तो उसको सब ध्यान देना होगा। तो ट्रेनिंग में भी वही चीज़ है, आप लोगों को जाना है, समय आप लोगों को देना है, जितना हम लोगों के अंदर जो भी विज्ञान हम लोग आप लोगों को दे देंगे उसको यूज करना है। सर्टिफिकेट तो देंगे, प्रूव हो जाता है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 10 दिन बैठिएगा तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट से पेट नहीं भरेगा, आपको सीखना होगा, वहाँ जाके देखना होगा कि किस तरह से बता रहे हैं, किस तरह से ये कर रहे हैं। बच्चा हम जब भेजते हैं स्कूल तो देखते हैं कि अच्छा पढ़ रहा है, पूछते हैं तो वही है आप लोगों का भी। ठीक है, तो हमारा वहाँ क्या है, हम लोग खाना पीना सुबह देखिए नाश्ता मिलेगा 11 बजे चाय, दोपहर को खाना, शाम को चाय नाश्ता, फिर रात को खाना। ठीक है, ड्रेस, कॉपी, किताब, पेन सब कुछ मिलेगा, जो भी आप लोगों का ट्रेनिंग में खर्चा होता है सारा हम पे करते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग ले रहा है तो उसका सारा मोबाइल का सामान हम लोग ला कर देते हैं, वो सारा सीखता है, सारा फ्री। हम लोग एक एक बच्चा के पीछे में कम से कम महीना भर में 50 से 60,000 रुपये खर्चा करते हैं, एक मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग में कम से 5 से 6 लाख रुपये खर्चा होता है सरकार का। तो उसको नहीं ट्रेनिंग सही से करेगा तो जाके नहीं भी कर पाएगा। उसके बाद क्या होता है बताते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई बच्ची लड़की सिलाई का ट्रेनिंग ले ली और अच्छा सीख भी है, ठीक है, उसका इतना परिस्थिति खराब है कि वो अपना मशीन 10,000 में खरीद नहीं पाएगी तो कहाँ से वो खरीदेगी। उसके लिए भी RCET जो है, ये 15 रुपये का ट्रेनिंग सेंटर है, उसके लिए भी हेल्प करता है। हम लोग ट्रेनिंग देखिए बहुत सारा दुनिया में ट्रेनिंग होता है, आप लोग भी पहले ट्रेनिंग कहीं किए होंगे, घर में कोई नहीं आता, लेकिन RCET जो है आपको ट्रेनिंग देने के बाद 2 महीना कहाँ आपको सुविधा हो रहा,
तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी लड़की को मान लीजिए लड़का को ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग देने के बाद क्या करते हैं कि हम उसको लोन भी दिलवाते हैं। जैसे मान लीजिए उसको ट्रेनिंग दे दी, उसके पास सिलाई मशीन नहीं है, तो किसी भी उसका सेवा क्षेत्र बैंक जो आता है उस बैंक में हम लोग एक लेटर हमारा भेजते हैं, जो डायरेक्टर रहता है हमारे एमडीएम साहब, जो बैंक का हेड मालिक है उसका साइन रहता है, और उसको भेजवा क्या करते हैं, उसको 10,000 या 15,000 20,000 जो भी डिपॉजिट बना देती है, उसका आधार से उसको लोन करवाते हैं। 15,000 मान लीजिए उसको लोन देते हैं, तो वो जरूर अगर आज अभी के समय में एक ब्लाउज सीने जाइए तो कितना लेता है, एक सिंपल ब्लाउज का 150 रुपया, दो ब्लाउज दिन में नहीं कर सकती है, 300 रुपया। अगर डेली 300 रुपया कमाएगी तो महीना वाला कितना हुआ, 9,000 रुपया। तो तुम 500 जमा नहीं कर सकते बैंक में, 9,000 नहीं कमाई तो 5,000 कमाई, हम 4,000 छोड़ देते, तुम्हारा सूता सब सामान लेके 4,000 छोड़ देते, 5,000 कमाई, 5,000 में तुम 500 रुपये जरूर दे सकते हो, वो भी तुम्हारा माँ बाप का सामने, आँख का सामने बच्चा रह के घर में काम करेगी, बाहर जाना नहीं हो रहा उसको। तो बहुत सारा आपको इस ट्रेनिंग से आपको सुविधा है, लोन लेने के बाद आराम से 500 रुपया बैंक में जरूर जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ऑफसेटिंग चलता है, और इसमें बहुत सारा अलग अलग ट्रेनिंग है, और इसमें क्या होगा, ये तो अगले साल का है, अभी नया क्या है, अगर महिला संगठन करना चाहती है, जैसे आपको काम का काम करवाना, हल करवाना, ये सब बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग सीख सकते हैं, मशरूम का सीख सकते हैं, अगरबत्ती बनाना सीख सकते हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी आप लोग कर सकते हैं। जो थोड़ा एक्टिव है, जो पढ़ाई लिखी है, उसको क्या करना, बाहर मार्केट में अपना घूमना है, जो नहीं है थोड़ा कम बाहर घूमती है उसको काम में लगा देना है, और वही पैसा को आप लोग 50,000 लोन लिया है, वही पैसा को अपना घुमा के इनकम भी होगा आप लोग, और सूद मूद दोनों चुकाइएगा। तो किसी भी पैसा लेने से भी उसको पहले सोचना हो कि हम ये पैसा करेंगे क्या, इन्वेस्ट करेंगे कहाँ, कहाँ पूंजी इसको फंसाएंगे, तो उसके लिए सीखना होगा। तो हमारा संस्था इसी तरह का ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, और अगर आप उनका इच्छुक है, कोई भी आप लोग सीखना चाहते हैं, कोई भी समिति मैडम से संपर्क करिएगा या हम लोग से संपर्क करिएगा, आपके अलावा आपका गाँव में पंचायत में कोई भी इस तरह बच्चा हो, बच्ची हो, लड़की हो, भेजना चाहते हैं तो ट्रेनिंग में जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल के विनम्रता आपको समय देने के लिए धन्यवाद।